जंगल में बाघ राजा का शासन था। बाघ एक बहुत ही अच्छा राजा था। वो हर पशु पक्षी का बहुत ख्याल रखता था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन राजा बाघ ने सोचा, कल मेरा जन्मदिन है, क्यों ना सभी जंगल वासियों को एक बड़ी अच्छी दावत दी जाए। सबके साथ मिलना जुलना, हंसना गाना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। बाघ अपने सेनापति हाथी से कहता है कि वो जंगल के सभी जानवरों को निमंत्रण दे दे। अब हाथी एक एक करके सभी के पास जाकर निमंत्रण देता है। सबको जब निमंत्रण मिल जाता है तो सभी एक सभा बुलाते हैं और आपस में क्या गिफ्ट दिया जाए इस बारे में चर्चा करते हैं। बंदर कहता है, भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, राजा बाघ को हम सब क्या देने वाले हैं? क्या किसी ने कुछ सोचा है? तभी लोमड़ी कहती है, राजा हमारे बहुत अच्छे हैं, मगर आज भी उसी टूटी फूटी गुफा में रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर बाघ के लिए एक नया बांस का घर बनाएं? हाथी भी ये सब सुन रहा था। हाथी उन दोनों की बात सुनकर कहता है, तुम दोनों का बहुत अच्छा विचार है, मगर कल ही जन्मदिन है। आज हमें सभी जानवरों को इकट्ठा करके ये बात बतानी है और घर भी बनाना है। क्या ये सब हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, मैं सबको एक एक काम देती हूँ। सब अपना अपना काम करेंगे और रात भर में बहुत सुंदर घर बनाकर तैयार कर देंगे। लोमड़ी बहुत चालाक थी और समझदार भी। वो सभी जानवरों को एक एक काम बताती जाती है। सभी अपने राजा बाघ को खुश करना चाहते थे। पूरा दिन और पूरी रात लगाकर सभी लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि घर बनकर तैयार हो जाता है और अगले दिन बाघ को तोहफे में वो घर देते हैं। राजा जी, आपके लिए एक बहुत सुंदर उपहार थोड़ी ही दूरी पर इंतजार कर रहा है, आपको वहाँ चलकर जाना होगा। क्या कहा, चलकर? चलो चलो। राजा बाघ बहुत खुशी खुशी चलकर जाने लगता है। वहाँ बांस के घर के बाहर बहुत बड़ा लाल रंग का रिबन लगा हुआ था और एक कैंची उन्हें दी जाती है। अब आप इस कैंची से इस रिबन को काटे और अपने तोहफे को इस्तेमाल करें महाराज, लोमड़ी राजा बाघ से कहती है। राजा बाघ रिबन काटता है और घर को अंदर जाकर देखता है। वाह, अति सुंदर, मेरे मन में बहुत समय से चल रहा था कि काश मेरे पास एक नया घर हो। आप सबका इतना प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तो दावत का समय हो गया है, चलो चलो दावत तैयार है। और फिर उसके बाद सब लोग दावत खाते हैं और राजा बाघ का जन्मदिन मनाते हैं। मुन्ना रो रहा था। राजू और किशोरी का एक छोटा सा लल्ला हुआ था, उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा था। कृष्णा बहुत प्यारा था। गांव के सभी बच्चे उसे देखने आते, उससे मिलने आते और उससे खेलने के लिए आते। एक दिन पड़ोस की चाची रत्ता उस छोटे से लल्ला कृष्णा के लिए जुराबे बना कर लाती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लल्ला के लिए कृष्णा के लिए बहुत प्यारी जुराबे बना कर लाई हूँ, पहना दे इसे जरा। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से जो बनाई है। किशोरी बड़े प्यार से उन जुराबों को लल्ला को पहना देती है। चाची भी खुश हो जाती है। अरे चाची, बहुत सुंदर जुराबे बनाई हैं आपने, बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किशोरी चाची को चाय पिलाती है और कुछ देर बाद चाची अपने घर लौट जाती है। शाम को जब राजू लौट कर घर आता है तो लल्ला को देखकर बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को एक थैला देते हुए कहता है, अरे किशोरी ये देखो, आज लल्ला के लिए बहुत सारे कपड़े और जुराबे लेकर आया हूँ, सर्दियाँ आने वाली है ना। अरे आप भी जुराबे ले आए, ये देखो आज जो लल्ला ने पहना हुआ है वो तो पड़ोस वाली चाची लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस समय तो ये मेरा प्यारा लल्ला अपने पिता की लाई हुई जुराबे पहनेगा। लाओ लाओ, निकालो थैले से।
राजू फटाफट नई जुराबे अपने लल्ला को पहनाकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खा रहे थे, तभी छोटा नन्हा कृष्णा जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये इतना रो क्यों रहा है जी? क्या पता, तुम फटाफट खाना खाओ और उसे सुलाओ। राजू और किशोरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन उनका लल्ला कृष्णा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी पड़ोस की चाची आवाज सुनकर उनके घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ किशोरी, पूरी रात तेरा लल्ला रो रहा था, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। बात क्या है बिटिया? पता नहीं चाची, पूरी रात रोता रहा। मैंने तो इसे दूध भी पिलाया, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये चुप ही नहीं होता। ला जरा मुझे तो दे। चाची अपनी गोद में बच्चे को लेती हैं और देखती हैं कि उसने नई जुराबे पहनी हुई हैं। चाची तुरंत उन्हें उतारती है। तभी किशोरी कहती है, अरे अरे चाची ये मत उतारिए, इसके पिताजी कल रात को ही नई जुराबे लेकर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, अरे ये देख आजकल की बाजारू जराबों में क्या क्या लास्टिक वगैरह लगा रहता है। लल्ला की पूरी टांगे सूज गई हैं। हाय राम, सच में चाची, क्या ये इसीलिए रो रहा था? हाँ, चल अब थोड़ा सा तेल लगा इनके पैरों पर, तभी लल्ला को आराम आएगा। बेचारा कब से यही बात कहना चाह रहा था। राजू को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। चाची जाते हुए कहती है, तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों के हाथ के बने नरम नरम कपड़े अपने बच्चों को पहनाओ, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं लल्ला के लिए और जराबे बना कर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, नए नए माता पिता हो, गलतियां तो होती ही रहती हैं। सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थी। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घूमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, ये रघुवीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मुर्गी दिन रात नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आजादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुवीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे तो भाग निकलो, ये देख रही हो एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है, शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और वहां से तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुँच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, आप बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना? अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा है।
वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेंपो के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है।